आज हम जा रहे हैं इसी खूबसूरत लेक को देखने के लिए, झील को, जिसका नाम है सिलिसेड। और ये एक डैम है जो कि बरसाती पानी पे बना हुआ है और इसको राजा ने बनाया था। ये है अलवर शहर में, और अलवर की अगर बात करें तो वो राजस्थान में है, जिसकी दूरी जयपुर और दिल्ली दोनों ही जगह से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है। पर इस सिलिसेड जाने से साथ साथ हम देखेंगे और भी इससे जुड़ी हुई चीज़ें जो कि उस समय के इतिहास को बताती हैं कि उस वक्त राजाओं द्वारा कितनी खूबसूरत चीज़ें बनाई जाती थी और उनका क्या कारण हुआ करता था। तो हमारी जो यात्रा है वो शुरू होती है अलवर के कॉलेज से, जिसका नाम है राजकीय राजऋषि महाविद्यालय। ये कॉलेज है जो कि साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसी कॉलेज में। ये जो आप देख रहे हैं ये मेन एंट्रेंस है उस कॉलेज की, और इस एंट्रेंस में घुसते जाते ही आपको लगेगा जैसे आप किसी रॉयल पैलेस में घुस रहे हैं, अपने आप में एक खास आपको फीलिंग ये करवाएगा। तो इस जगह पे लेके आने का मेरा कारण है यहाँ पे बना हुआ एक पानी का कुंड। तो जो हमारी जर्नी है वो उस कुंड से ही शुरू होगी। यहाँ से डाइवर्जन है एक एंट्री के लिए, दूसरा एग्जिट के लिए। जो आप इस तरफ देख रहे हैं ये एग्जिट में यूज़ होता है और ये एंट्री के लिए होता है। और अब मैं घुस रहा हूँ मेन जो बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स एरिया है, मेन उसमें जा रहा हूँ, आरआर कॉलेज, राजऋषि कॉलेज इसको बोलते हैं अलवर का। और कमेंट करके बताएं कि कितने स्टूडेंट्स इस कॉलेज में से पास आउट हो चुके हैं और कितने इसमें पढ़ रहे हैं। और ये कॉलेज है अलवर सिटी में, अलवर जो राजस्थान में है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको वैसे यहाँ पे लेके क्यों आया हूँ। ये कॉलेज एक राजा का बनाया हुआ, जो कि मैंने आपको पहले बताया, और यहाँ लेके आने का मेरा कारण है ये जो आप देख रहे हैं, ये एक तालाब सा जो बना हुआ है इस कॉलेज के सामने। ये जो सामने की तरफ जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग, इसके जस्ट सामने ये एक तालाब बना हुआ है बड़ा सा। तो ये तालाब जो है, और इस तालाब से शुरू होती है हमारी जर्नी सिलिसेड के लिए। एक्चुअल जो जर्नी है वो यहाँ से शुरू होती है, और उसके पीछे एक कारण है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो जो हमारी जर्नी है वो यहाँ से इसलिए शुरू होती है कि सिलिसेड का जो पानी है, जो यहाँ से तकरीबन 13-14 किलोमीटर दूर है, उसका पानी इस कुंडे में भरता था उस वक्त। और उस वक्त ये पूरा का पूरा एरिया एक जंगल था, यानी कि इस ये जो राजा का बनाया हुआ पैलेस था, जो कि शुरू में काम आता था उसके रहने के लिए, आराम करने के लिए, इसके चारों तरफ काफ़ी घना जंगल होता था। और तकरीबन 2000 तक भी यहाँ पे जंगल हुआ करता था, पर अब धीरे धीरे यहाँ पे सफाई कर दी गई, काफ़ी सारे पेड़ को काट दिया गया है और यहाँ पे पार्क या कुछ और चीज़ें बन रही हैं धीरे धीरे। पर एक समय में यहाँ पे काफ़ी घना जंगल हुआ करता था। और जो ये देख रहे हैं ये एक छोटा सा मुखाना सा बना हुआ है, ये यहाँ पे इस तालाब में, इस कुंडे में वाटर सप्लाई के लिए काम में आता था। और आपको जो ये तालाब के चारों तरफ जो वाइट सी पट्टी दिख रही है, क्रीमिश कलर की जो हो गई है, पीली पीली सी, ये एक्चुअली पूरा का पूरा वाइट मार्बल है। तो आप सोचिए कि हमारे पास पहले कितना वाइट मार्बल था और उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी थी, जो आज तक ठीक है, ठीक कंडीशन में, हालांकि अब मेंटेनेंस ना हो पाने की वजह से वो ख़राब हो गया है। पर ये कितना, मतलब इसको यूज़ किया गया था राजाओं के टाइम से। और जो ये आप छोटे छोटे से झरोके देख रहे हैं जो बने हुए हैं विंडो की, जो आपको दिखाता हूँ जूम करके, ये इनमें किसी टाइम पे दिए रख के, दीपक रख के जलाए जाते थे जब यहाँ पे राजा आता था या रहता था। और ये सामने की पोर्च बनाया हुआ है जिसको कि अब नॉर्मली फ्लैग होस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, अदरवाइज यहाँ पे प्रोग्राम हुआ करते थे पहले। चलने से पहले मैं आपको एक कॉलेज दिखा देता हूँ बाहर से, हल्की आज कॉलेज बंद है तो अंदर तो अलाउ नहीं है और जाने का कोई सेंस भी नहीं है क्योंकि हमें जाना कहीं और है। पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना उस वक्त सुंदर चीज़ें राजाओं द्वारा बनाई जाती थी। ये दो शेर हैं जो कि रेस्टिंग की पोजिशन पर आराम कर रहे हैं, और इसके जस्ट सामने की तरफ मेन एंट्रेंस होती थी, हालांकि अब उसको बंद कर दिया। आप देख रहे जो आर्च से बने हुए हैं उनको दीवारों से और खिड़कियों से बंद कर दिया, अदरवाइज़ ये पहले ओपन होते थे। और ये पूरा का पूरा एक पैलेस टाइप का सा बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर। और ये था राजा का बनाया हुआ कॉलेज।
तो इस तरीके से मैंने दिखाया आपको ये कॉलेज, और कॉलेज में बना हुआ वो पानी का कुंड, जो कि आपको कैमरे में शायद हो सकता है बहुत छोटा दिख रहा हो, पर एक्चुअल में एक जो कुंड है काफ़ी बड़ा है और काफ़ी गहरा है। और उस वक्त इस कुंड में सप्लाई करने के लिए नहर का इस्तेमाल किया जाता था, और ये जो यहाँ पे जो पानी सप्लाई होता था इस कुंड में, वो तकरीबन यहाँ से 14-15 किलोमीटर दूर था, जो कि सिलिसेट ये डैम था, वहाँ से लेके यहाँ तक के लिए पूरी नहर बनाई हुई थी। और मैं आपको रास्ते भर में उस नहर के जो अवशेष हैं पानी वो दिखाता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आप अलवर शहर मेन सिटी से बाहर निकल जाते हैं, तब आपको ये नहर दिखने लगेगी। ये आप सामने देख रहे हैं, जो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये जो एक बनी हुई है ये वही नहर है, और ये दो नहर है, एक ऊपर की तरफ आपको दिख रही होगी वॉल सी, एक नीचे की तरफ दिख रही होगी छोटी वॉल। ये वॉल नहीं है, असल में नहर है, और ये नहरों में से कटी हुई छोटी दूसरी नहर है, जो कि आसपास के खेतों में उस वक्त पानी की सप्लाई करती थी। पर समय के साथ साथ धीरे धीरे ये नहरें टूटती जा रही हैं और ख़त्म ही हो गई हैं बस अब तो। और ये नहर वहीं जाती है लास्ट में फाइनली, जो मैंने आपको सबसे पहले वीडियो के शुरुआत में दिखाई थी, यानी कि वो RR कॉलेज का कुंडा। ये वो जगह है जो थोड़ी सी और आगे है, यानी कि सिलिसेट के हम काफ़ी करीब पहुंचते आ रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये नहर का वो बड़ा हिस्सा है, जो कि रोड के एकदम साइड में है। तो इस तरीके से ये नहरें थी जो उस वक्त बनी हुई थी राजा के टाइम पे, और इनकी जो तकरीबन ये नहरें जो हैं तकरीबन 100 साल पुरानी हैं, और अभी भी ये टिकी हुई हैं, इतनी मजबूत हैं, हल्की टूट रही हैं काफ़ी जगह से। और इसमें अपर नहर होती थी, कुछ लोअर नहर होती थी, कुछ छोटी नहर थी, कुछ बड़ी नहरें थी, और उन नहरों से पूरे अलवर ज़िले में पानी की सप्लाई होती थी, और उससे खेती बाड़ी होती थी, और लास्ट में जो बचा हुआ पानी है वो RR कॉलेज तक पहुंचता था। तो ये एक वाटर मैनेजमेंट का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से डैम बना के रेन वाटर को इकट्ठा किया गया और फिर उसकी सप्लाई की गई है पूरे शहर में पानी को पहुँचाने के लिए। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको वो नहर जो उस टाइम बनी हुई थी। तो ये एक नालीनुमा नहर है पूरी की पूरी, जो कि आ रही है सिलिसेट डैम से, और ये इस तरीके से पूरी जाती थी। समय के साथ साथ ये नहर पूरी टूट गई, हल्की 1975 तक इसमें पानी की सप्लाई चालू थी, पर समय के साथ साथ काफ़ी जगह से नहर टूट गई और इसका मेंटेनेंस काफ़ी महंगा पड़ने लगा, कॉस्टली पड़ने लगा। तो उन्होंने पूरी तरीके से इस नहर को जो है राज्य सरकार ने बंद कर दिया, अभी खाली पड़ी हुई है और अभी ये किसी काम की भी नहीं है। तो फाइनली अब हम पहुंच गए एकदम सिलिसेट के पास, और ये वही नहर है जो कि अब एकदम गंदगी इसमें भरी हुई है, प्लास्टिक और कचरा इसमें पूरा भरा हुआ है, हमारे द्वारा फैलाया गया कितनी सारी गंदगी, और चारों तरफ प्लास्टिक की प्लास्टिक आपको दिखेगी, पानी की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, जूस की बोतल, और वही सब यहाँ चारों तरफ पड़ा हुआ है। हालांकि अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ ये पूरा का पूरा एरिया है, बारिश में अगर आप आएंगे तो इस जगह बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये जो सामने आप देख रहे हैं यहाँ से एक्चुअल एंट्रेंस, एक्चुअल तो नहीं बोलूँगा पर फिर भी यहाँ से सिलिसेट वाला एरिया जो मेन एरिया वो शुरू जाता है। यहाँ पे कुछ एक ढाबे बने हुए हैं जहाँ पे आप अगर आपको कुछ खाना है आप खा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं।